हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे बहुत ही अच्छी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ एक कटोरी सूजी और थोड़ा सा बेसन चाहिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कटोरी सूजी मैंने ले ली है, बारीक सूजी है ये, आप चाहे तो मोटी भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो चलिए सूजी मैंने डाल दी है और 1/3 के करीब मैंने बेसन ले लिया है। यूँ कह लीजिए कि आप 2 चम्मच करीब बेसन ले लीजिए और इसको उसमें मिक्स करके पानी मिला दिया मैंने। पानी मिला के हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे जिससे इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। और अच्छे से फेंटने के बाद मैं इसको साइड पे रख दूँगी करीब आधे घंटे के लिए, बहुत देर के लिए नहीं, आधे घंटे के लिए आप इसको ढक करके रख देंगे जिससे हमारी जो सूजी होती है वो फूल जाती है। इसके बाद हम कुछ सब्जियाँ मैंने कट कर ली हैं, इसमें हमारा गाजर है, प्याज है, शिमला मिर्च है और टमाटर है। आप हरी धनिया, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो, मैंने ऐड नहीं की थी क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखिए मेरा बैटर थिक हो गया है, अब इसमें हम सब्जियाँ डाल देंगे। सारी सब्जी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और बस ये सब डाल के इसको फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लग रहा होगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया था, मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा थिक लग रही थी। अब देख लीजिएगा ये बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए फिर रेडी हो गया है। तो इसके बाद हम इसमें सबसे लास्ट में, जब इसको बनाने के पहले, इसमें हम इनो डालेंगे। मैंने एक इनो के पैकेट से, आप ये समझ लीजिए कि 1/4 पार डाला है, ऑलरेडी मेरा ये पैकेट खुला हुआ था, उसका भी मैंने हाफ ही डाला हुआ है। इनो डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और दूसरी तरफ मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, इसको हम कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं। तो मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें थोड़े समय जो छोटी वाली राई होती है वो ऐड करूँगी और थोड़े से मीठी नीम या करी लीव्स जो होती हैं। कढ़ाई को बहुत ज़्यादा एकदम से गर्म नहीं करना है क्योंकि जब हम बैटर डालेंगे तो वो एकदम से जल जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा सिक जाएगा और अंदर से फिर ये कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए मैंने गैस को स्लो ही रखा था। और इसके बाद इसको अच्छे से हम इसे फैला देंगे। फैलाने के बाद हम इसको कवर कर देंगे, कम से कम 5-6 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया है। 5-6 मिनट के बाद हम इसको हटा के देख लेंगे एक बार कि ऊपर से जो पूरा है ये गीला बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा, एकदम लेयर सूखी हो जाएगी, फिर हम इसको आराम से पलट देंगे। तो ये फिर इसको दूसरी तरफ से सिकने देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छे से धीमी आंच पे ये सिक गया था और मैंने इसको पलट दिया है। और उसके बाद हम इसको फिर से कवर कर देंगे। तो ऐसे दूसरी तरफ से भी जब सिक जाएगा तो हम इसको एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से सिक गया है या नहीं। इसको थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बहुत आराम से हमें पलटना होता है। तो फिर मैंने इसको 2-4 मिनट के लिए रख दिया था और उसके बाद देखिए मैंने इसको प्लेट में ले लिया है। अब आप चाहें तो चाकू की मदद से इसको कट कर लेते, वैसे ये आराम से पूरे छोटे छोटे पीसेस में तो कट नहीं होता है ढोकले की तरह से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब करारा सा बन जाता है, कुरकुरा सा बन जाता है कह लीजिए। तो मैंने इसको फिर भी पीसेस में कट कर लिया था, इसको पीसेस में कट कर लेंगे, 3-4 पीसेस जितने भी पीसेस हो जाए हम इसको कट करके लगाएंगे। और फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी है। आप देखिए ये बहुत अंदर से भी सिक चुका है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, एवं बच्चों बड़ों सबको पसंद आता है। मैं इसको अक्सर ही ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग स्नैक्स में ट्राई करती हूँ। आप भी इसको बनाइएगा, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता रहेगा कि मेरी नई रेसिपी कौन सी आ रही है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।